अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेकअप रिक्रिएट बाय फातिमा। आज मैं करूँगी ज़बरदस्त सी एक पार्टी आई लुक जो आजकल बहुत चल रही है। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम की दीवान वालों की ब्रो पेंसिल शेड ब्राउन में। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप करूँगी और अपनी आईब्रोज़ को फिल भी मैं इसी के साथ करूँगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का ब्रोकारा दीवान वालों का। इससे मैं अपनी ब्रोज़ को बिल्कुल फिक्स कर दूँगी। आईलिड पे डिसकलरेशन की वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ एलिप प्रो का कलर करेक्टर, ताकि मेरा कंसीलर जो सा ना वो ग्रे लुक ना दे। कंसीलर मैं यूज़ करूँगी दीवान वालों का। बफी ब्रश से मैंने कंसीलर को सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ दो पैलेट्स, एक ब्यूटी ग्लेस का लेमन और एक काइली का। ब्यूटी ग्लेस के पैलेट में से सबसे लाइट शेड जो सा है ट्रांजिशन शेड के तौर पे यूज़ करूँगी अपने आउटर कॉर्नर अपनी आईलेट पे। ब्राउन शेड में जा रहे हैं तो लाइटर, फिर डार्कर, फिर उससे डार्कर। इस तरह मैं अपने आउटर और इनर कॉर्नर दोनों को डार्क ब्राउन शेड से इन्हेंस कर रही हूँ ब्लेंडिंग के साथ साथ। ये शेड मैंने काइली की पैलेट में से यूज़ किया है और जो सबसे शेड ब्राउन होगा वो मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ग्लेस लेमन के पैलेट से। ये एक पेंसिल ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी सेंटर के कट क्रीज को ओरिफ्लेम के दीवान कंसीलर से। एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने सेंटर कट क्रीज किया और उसको बफी ब्रश की मदद से सारा मैंने सेट कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगी एक शिमर शेड अपने ब्यूटी ग्लेस के पैलेट से और वही ब्रश जो मैंने यूज़ किया था लास्ट में बग़ैर शेड के, मैं उसको मर्ज करूँगी। अब मैं जीजी का जेल लाइनर यूज़ करूँगी और ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ। इसके बाद वाटर लाइन में मैं यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड ओरिफ्लेम दीवान वालों की पेंसिल और एक लाइट शेड नीचे मैंने लाइन पे लगा लिया। अब मैं लैशेस यूज़ कर रही हूँ आई लव लैश डॉट पी के, इंस्टाग्राम का इनका पेज है। लैशेस को दो मिनट पहले ग्लू लगा लें और इस तरह मेरी एक ज़बरदस्त सी लुक तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।